ব্লগার্স ইউটিউব চ্যানেল বরাক তরঙ্গে আমি আশু চৌধুরী আপনাদেরকে জানাই স্বাগত। এবারে বরাক তরঙ্গের বুলেটিন সংবাদ। করিমগঞ্জে নীলামবাজার টাঙ্গাবাড়ি নৃসিংহ মন্দিরের ডাকাতি ঘটনা মূল পাণ্ডাসহ 12 জনকে পাকড়াও করল পুলিশ, সঙ্গে সোনা গহনাসহ টাকাও উদ্ধার করে। শুক্রবার পুলিশ সুপার মায়াঙ্ক কুমার একতা জানিয়েছেন, ঘটনায় জড়িত মোট 12 জন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে চুরি হওয়া স্বর্ণলঙ্কাসহ মোট 3টি মোবাইল। এদিন নীলামবাজারে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘটনার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন পুলিশ সুপার মায়াঙ্ক কুমার। ড্রাগসের জন্য এই ডাকাতি কাণ্ডে সংগঠিত হয়েছে বলে দাবি করেন। ড্রাগস নির্মূলের পুলিশ সঙ্গে জনসাধারণের এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন পুলিশ সুপার। পুলিশের অসাধ্য বলতে কিছুই নেই, পুলিশকে কাজ করার জন্য সময় ও সুযোগ দিতে হয়। প্রায় 200 বছরের পুরনো ঐতিহাসিক নৃসিংহ মন্দিরের ডাকাতির মামলায় অভূতপূর্ব সফলতা লাভ করে এই কথা প্রমাণ করল পুলিশ। করিমগঞ্জ থেকে মোহাম্মদ জনির রিপোর্ট। बारह तारीख के अर्ली मॉर्निंग के रखते हैं 1-2 बजे के आसपास नरसिंह मंदिर जो बलिया में है टोंगबारी गाँव का नाम है उसमें एक डकैती का केस रिपोर्ट किया गया था मंदिर में। मंदिर के प्रेमाइस में ही पुजारी का घर है, तो पुजारी का नाम है श्री राजेश चक्रवर्ती। उनके घर से कुछ कैश और कुछ ज्वेलरी को डकैत लोग लूटा और उसके बाद में जो मंदिर है मंदिर के अंदर से भी कुछ एक्सपेंसिव ज्वेलरी लेकर के वो डकैत लोग गया। तो जो हमको इनिशियल जो खबर मिला था वो एक बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था। इसमें कुछ कौन लोग इन्वॉल्व हैं क्या है ऐसा कुछ क्लू नहीं मिल रहा था स्टार्टिंग में। तो 4-5 दिन 6 दिन तक हमारा पूरा जो पुलिस का टीम है वो हम लोग क्लू के लिए इधर उधर प्रयास करते रहे बट मिला नहीं। बट फाइनली कुछ दिन के बाद एक टेक्निकल इनपुट से हमको ब्रेक थ्रू मिला और टेक्निकल इनपुट से ब्रेक थ्रू करने के बाद में हमारा रिकवरी हुआ। उसमें वो लोग साथ में जो पुजारी की जो एक लड़की थी उसके पास में टैब था वो टैब लेकर के गया, मोबाइल फ़ोन ये सब लेकर के गया। तो ये सब चीज़ हमारा रिकवरी हुआ। वो रिकवरी होने के बाद में और फिर हम इंटरोगेशन किए लोगों को, आसामी को पकड़े। उनको पकड़ने के बाद में पूरा का पूरा जो इनका एक गैंग है वो गैंग मिल गया और जो ये डकैती का सामान जो रिसीव किए थे जो गोल्डन या चांदी का जो सामान था वो रिसीव भी जो किए थे उन लोगों को भी हम लोग पकड़े। जो इसका प्लानिंग किए थे उन लोगों को भी पकड़े। ये लोग एक ऑटो में सब 5 लोग ऑटो में जा कर के वहाँ पर गया था। वो ऑटो का जो ऑटो है और उसका ड्राइवर है उसको भी हम लोग पकड़े। तो मोटा मोटी जो पूरा गैंग है और इसमें जितने लोग शामिल है वो सब इसमें पकड़ा गया। टोटल अभी तक 12 लोगों का अरेस्ट हो चुका है, जिसमें 5 आदमी था जो जाकर के डकैती किया, 1 आदमी ड्राइवर था, 4 आदमी इसका प्लानिंग करने वाला था और जो 2 आदमी था वो जो डकैती का सामान था उसको रिसीव करके रखा था। तो इसमें जितने सारे लोग हैं ये सब उस गाँव के उस मंदिर के आसपास के ही लोग इन्वॉल्व थे। जात्रापुर, काउटू, बागरी खोला, कालीबारी रोड ये सब एरिया के ही इसमें लोग इन्वॉल्व हैं। और इसमें एक ऐसा बात है अनफॉर्चुनेटली कि ये सारे लोग जो है जो लोग पकड़ाए हैं इसमें से मेजॉरिटी लोग ड्रग एडिक्ट हैं। तो ये ड्रग्स का लेने के चक्कर में या ड्रग्स का उनका जो व्यापार है उसके चक्कर में ये लोग भी ये काम कर रहे थे। तो ये भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि ड्रग एडिक्शन के चलते लोग इस तरह का एक हीनियस क्राइम करने पर उतारू हो जाते हैं। तो इस ये पूरा जो एक प्रोसेस था हमको काफ़ी दिन इसमें 10 दिन